गर्मियों की सौगात भिंडी आपने कई तरह की बनाई होगी। आज मैं आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से चावल का आटा ऐड करके मजेदार सी बिना लेस की जो है वो भिंडी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। आज मैं आपको क्रिस्पी सी मजेदार सी बिना जो है वो लेसदार बिना चिपचिपी सी जो है वो अमेजिंग सी आपको जो है वो आज मैं भिंडी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो अब तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें धीरे से फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो हाफ प्याली के करीब तेल लेना है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। मसाला अच्छे से भुनने लगेगा ना तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो तकरीबन भी जो है वो 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। याद रखिएगा ये प्रोसेस हम जो है वो भिंडियों को फ्राई करने के लिए कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है क्योंकि हमने बाद में भी नमक ऐड करना है, तो इसलिए नमक कम शामिल किया। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया। तमाम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे। तमाम मसाला अच्छे से भून जाएगा ना उसके अंदर, फिर बाद में हम जो है वो इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देंगे। याद रखिएगा ये प्रोसेस हमने जो है वो सिर्फ फ्राई करने के लिए ही बना के रेडी किया, यानी कि ये मसाला। अब हम इसके अंदर जो है वो मसाला भुन चुका हुआ है ना, तो यहाँ पर हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे। और भिंडियाँ मैंने साबित जो है वो कट की हैं, यानी कि ऊपर और नीचे का पार्ट कट करके जो है वो इस तरह से मैंने कट कर ली हूँ। अच्छा सा फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अच्छा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे। दही भी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे जो है वो भिंडियाँ आपकी बिल्कुल भी लेसदार बन के नहीं रेडी होती, यानी कि बिल्कुल जो है वो लेस फ्री बन के रेडी होती हैं। तो यहाँ पर हमने दही ऐड करके अच्छा सा मिक्स करना है, अच्छे से फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट तक हम ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हमारी भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद इसे हम साइड पर रख देंगे। भिंडियाँ हमारी तकरीबन भी जो है वो 60% तक अच्छे से कुक हो चुकी हुई हैं। बाकी की जो है वो हम बाद में इसको गला लेंगे। तो हम इसे साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर हाफ प्याली के करीब तेल ऐड किया। तेल के अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लाइट साइज से जो है वो कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। जब कलर अच्छा सा आ जाएगा ना तो साथ ही इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड कर लेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इतना कुक करेंगे ये दोनों चीज़ें अच्छे से नरम हो जाएं। और टमाटर जब अच्छे से नरम हो जाएंगे ना तो इसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा नरम करने के लिए यहाँ पर हमने 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके इसे कुक किया। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे दोनों चीज़ों को, सिर्फ लाइट सा जो है वो नरम करेंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से जो है वो नरम हो जाएंगी ना तो हमने जो भिंडियाँ फ्राई की हुई रखी थी ना वो इसके अंदर हम तमाम जो है वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम उसका मसाला भी तमाम जो है वो ऐड कर देंगे, यानी कि तेल समेत तमाम मसाला और भिंडियाँ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद कुछ चंद मसाले इसके बाद जो है वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा फुल फ्लेम पर रख के अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से इसकी लेस भी निकलती रहेगी और तमाम मसालों का फ्लेवर प्याज और टमाटर के अंदर भी चला जाएगा। दो से तीन मिनट तक जब भिंडियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही यहाँ पे हम जो है वो
कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। नमक जो है वो मैंने पहले ऐड कर दिया था, मेरे हिसाब से इनफ है। अगर आपको कम लग रहा हो ना तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने तमाम मसाले ऐड करने के बाद भिंडी को अच्छा सा फ्राई कर लिया हुआ है। तकरीबन भी इसे हम जो है वो 10 मिनट तक जो है वो इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के अच्छा सा कुक करेंगे। तो इस तरह से जो हमारी 40% तक जो है वो भिंडियां गलने के लिए रह चुकी हुई हैं, तमाम अच्छे से गल जाएंगी। तो हमारी तमाम अच्छे से जो है वो भिंडियां गल चुकी हुई हैं, हमारी प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका हुआ है। लेकिन हम लास्ट में एक मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे आपकी भिंडियां बिल्कुल भी लेस वाली बनके रेडी नहीं होंगी। तो लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर देंगे। ये आप लाजमी से ऐड करिएगा, ये यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग से आपकी ये भिंडी बनके रेडी होगी बिना लेस की, और बहुत ज़्यादा चटपटी सी भी, और बिना जो है वो नरम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी भी नहीं होंगी। थोड़ी सी हल्की सी जो है वो थिकनेस आ जाएगी भिंडियों के अंदर, और बिना लेस की मज़ेदार सी बन के रेडी होंगी। पूरे YouTube पे आप देख लें, सर्च कर लें, आपको कहीं भी ये रेसिपी नहीं मिलेगी। मैंने आपको अमेजिंग सी ये रेसिपी दी है, तो आपने जो है वो मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। चावल का आटा ऐड करने के बाद आपने जो है वो तकरीबन भी 5 मिनट तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के अच्छा सा कुक करना है। तो आपकी अमेजिंग सी जो है वो भिंडियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। हमारी अमेजिंग सी बिना लेसदार बहुत ज़्यादा चटपटी सी फ्लेवरफुल सी जो है वो हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। तो आपने मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो ये भिंडियाँ बन के रेडी हुई हैं। यूट्यूब पर पहली बार मैंने ये रेसिपी दी है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं भी ये रेसिपी जो है वो नहीं मिलेगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।